students, welcome to KK Chauhan Listen. Now we are going to learn about the topic Fleming's right hand rule and its application. आज हम Fleming के right hand rule को पढ़ने जा रहे हैं और उससे संबंधित उसकी application generator के बारे में पढ़ेंगे. Fleming का right hand rule पढ़ने से पहले एक बात जो मैंने अपनी पहले बताई थी आपको, Fleming's right hand left hand rule पढ़ाते समय जब किसी कंडक्टर को हम जिसमें धारा बह रही हो उसे मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाते हैं तो वो अपने ऊपर एक बल अनुभव करता है. इसके विपरीत जब एक कंडक्टर को, तार को, वायर को हम मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाते हैं तब उस चालक के सिरों पर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, प्रेरित हो जाता है, जिस कारण वो एक बल अनुभव करता है और उसी बल के तहत वो घूमता है. तो इसे समझने के लिए, इन दोनों बातों को समझने के लिए फ्लेमिंग ने दो रूल दिए थे, एक राइट हैंड रूल और एक लेफ्ट हैंड रूल. लेफ्ट हैंड रूल हम पढ़ चुके हैं, आज हम राइट हैंड रूल पढ़ने जा रहे हैं. तो राइट हैंड रूल क्या कहता है? राइट हैंड रूल कहता है कि अगर हम अपने राइट हैंड की थंब, फर्स्ट फिंगर और मिडल फिंगर को एक दूसरे के ऊपर पेंडिकुलर खींचते हैं, स्ट्रेच करते हैं, तो ये थंब जो है वो जो कंडक्टर है उसके मूवमेंट की डायरेक्शन को बताता है और जो ये फर्स्ट फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन को बताता है और ये जो मिडल फिंगर है वो बताती है जो चालक के सिरों पर जो करंट इंड्यूस होता है उसके बारे में बताती है. आइए नेक्स्ट हम देखते हैं. ये फर्स्ट फिंगर थंब जो है वो डायरेक्शन को बताता है, फोर्स किस ओर लगेगी. ये जो मिडिल फिंगर है ये इंड्यूस करंट को और जो फर्स्ट फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड को दिखाती है. इसमें देखते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड में हमने दो मैग्नेट लगाए हुए हैं, ये धारा बह रही है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर इस प्रकार. तो नेक्स्ट हम चलते हैं इसकी एप्लीकेशन. इलेक्ट्रिक जनरेटर, पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि इलेक्ट्रिक जनरेटर होता क्या है. ये वो साधन है, मशीन है जिसके द्वारा हम मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. और जनरेटर जो है किस प्रिंसिपल काम कर प्रिंसिपल पर काम करता है वो है कि वही एक जब कुंडली को हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं या तो उस चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस कुंडली पर एक के सिरों पर एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है, प्रेरित हो जाता है जिस कारण वो रोटेट करती है. तो रोटेट करती है तो जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं चुंबक के कारण जो मैग्नेटिक लाइंस बनी हुई हैं उनको वो कट करती है. जैसे ही वो कट करती है तो धारा पैदा होती है और उस धारा को, उस करंट को हम विभिन्न अप्लायंसेस में यूज कर सकते हैं. कैसे लेते हैं, मैं एक पिक्चर के द्वारा इसको समझाती हूँ. ये है दो हमारे मैग्नेटिक पोल और उसमें हमने ये एक कॉइल रखी हुई है. ये रेक्टेंगुलर कॉइल होती है. हमने जब लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा था उसमें आर्मेचर मैंने बोला था तो वही प्रोसेस इसमें भी है. इसमें भी एक सॉफ्ट आयरन की बनी कॉइल लेंगे, उसके ऊपर कॉपर की वायर लपेटेंगे और कॉपर की वायर के दो सिरे होंगे. एक सिरा जो है वो हमने कॉपर के रिंग के साथ ही जोड़ना है जिसे हमने कोमुटेटिव रिंग कहा था. तो एक रिंग जो बीच में से कटे हुए हैं, एक रिंग को R1 बोलते हैं और एक को R2 बोलते हैं. तो जो कॉपर वायर लपेटी है उसका एक सिरे को हम R1 रिंग के साथ जोड़ेंगे और दूसरे सिरे को हम R2 रिंग के साथ जोड़ेंगे और दोनों रिंग्स जो हैं वो जुड़े हुए हैं कार्बन ब्रशेस के साथ और उनके साथ फिर हमने अप्लायंसेस को जोड़ना है. तो जैसे ही हम सबसे पहले क्या होता है कि ये जो कॉइल है जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं इसको तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण इसकी जो ये लेफ्ट साइड है इस पे एक बल अनुभव होता है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में हम इस कॉइल को लेके जा रहे हैं.
जैसे ही किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में लेके जाते हैं तो चालक के सिरों पर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, ये मैंने फर्स्ट शुरू में बताया था। तो इस तरफ भी ईएमएफ इंड्यूस हुआ, इस तरफ भी हुआ, तो ये सिरा इससे दूर जाने की कोशिश करेगा और ये भुजा इस पोल से दूर जाएगी, तो क्या होगा कि ये राइट एंगल में 90 डिग्री के कोण पर आ जाएगी। जैसे ही 90 डिग्री के कोण पर आएगी तो ये जो है अपना रोटेट करना शुरू करेंगे, और उसके बाद क्योंकि यहाँ पर आ जाती है जैसे ये, तो इसका अपना ही संवेग बन जाता है जिसके तहत ये फिर इस तरफ आएगी घूमती हुई। जो ए बी भुजा है वो साउथ पोल की ओर आ जाएगी और ये डी सी भुजा जो है वो नॉर्थ पोल की ओर आ जाएगी। इसी प्रकार ये रोटेट करेंगे, इनकी रोटेशन से जो करंट पैदा होगा वो इन रिंग्स में आएगा। रिंग्स में आने से यही करंट कार्बन ब्रशेस जो है, ये कार्बन ब्रशेस जो है इनके थ्रू हम अप्लायंसेस में लेके जा सकते हैं। कुछ भी फैन चलाना है या कोई इलेक्ट्रिक लैंप जलाना है या मिक्सी जूसर चलाना है तो वो हम चला सकते हैं। तो ये था जनरेटर। जनरेटर को और अच्छे तरीके से समझने के लिए हमें वही जो डीसी मोटर का मैंने बताया था वहाँ पर डिटेल है, आप देख सकते हो। तो डीसी मोटर जनरेटर के बारे में हमने वर्किंग पढ़ी और इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो भी हमने देखा। इस टॉपिक से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप लॉग इन कर सकते हो। मेरी वेबसाइट है www.scienceeasylearning.wordpress.com। यू कैन आल्सो लाइक माय फेसबुक पेज दैट इज़ KK चौहान। थैंक यू।